को लेकर राजस्थान कांग्रेस एक्शन मोड में आ गई है चुनाव की तैयारियों को लेकर। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेंट्रल वॉर रूम में दिन भर मैराथन बैठकें आयोजित की गई। एआईसीसी स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन रजनी पटेल के साथ साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी मौजूद थे। बैठक में लोकसभा चुनावों के प्रत्याशियों की तलाश और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ नई ऊर्जा नए जोश के साथ मैदान में उतरने पर चर्चा की गई। बैठक के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 25 सीटें जीतने का दावा किया। कांग्रेस ही लड़ेगी, ऐसे कोई गठबंधन की ऐसी बात नहीं हुई है कि बीजेपी से हमारा गठबंधन हो रहा है। कांग्रेस पार्टी जनादर है, कांग्रेस पार्टी का इतिहास है, कांग्रेस का हो सकता है कुछ समय के लिए जाति धर्म क्षेत्रवाद उस समय के लिए चलेगा, लंबा नहीं चल सकता है, लेकिन इस देश में कांग्रेस का राज था और कांग्रेस ही राज कर सकती है और सबका विकास कांग्रेस। आप गठबंधन पक्ष में? नहीं, बिल्कुल पक्ष में नहीं। महापुरुषों के बाद अब नेताओं की मूर्ति भी प्रचलन में है। खासकर कोटा रिवर फ्रंट पर पूर्व सीएम और धारीवाल की मूर्ति की चर्चा हो रही है, साथ ही भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नेताओं को देखकर चौकी मत, ये सिर्फ पुतले हैं। पुतले किन के हैं? इन्हें तो आपने पहचान ही लिया होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन पुतलों के पीछे भी बड़ा खेल खेला गया है। अब आप दूसरी तस्वीर देखिए, ये चंबल रिवर फ्रंट की है। मामला आपकी समझ में आ रहा होगा। इन मूर्तियों को रिवर फ्रंट पर लगाया जाता, लेकिन राजस्थान में सरकार बदल गई और पूर्व सीएम गहलोत और पूर्व यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के बुत सिर्फ रखे ही रह गए। हालांकि कहा जा रहा है कि रिवर फ्रंट में सरकारी धन की जमकर लूट भी की गई है। कोटा में करीब 1500 करोड़ की लागत से चंबल रिवर फ्रंट बना, लेकिन फिलहाल चंबल रिवर फ्रंट को लेकर के कई मामले ऐसे हैं जिन पर विवाद गहराता जा रहा है। कोटा का चंबल रिवर फ्रंट करीब 1500 करोड़ की लागत से तैयार किया गया, जिसमें नेताओं और अधिकारियों के गठजोड़ की तस्वीर भी दिखी, क्योंकि चार मूर्तियों में दो तो आपने पहचान ली होंगी, लेकिन दो शायद समझ में नहीं आई होंगी। एक मूर्ति कोटा नगर विकास न्याय के विशेष अधिकारी आरडी मीना और दूसरी शहर के विकास कार्य के आर्किटेक्ट अनूप भरतरिया की है। मीना को धारीवाल का करीबी माना जाता है, साथ ही दोनों पर मोटा पैसा हड़पने का आरोप भी लगा है। इतिहास पुरुष बनना चाहते हैं अजर अमर। मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा राजनीति में ठीक नहीं होती और इसकी जांच कराएंगे और निश्चित रूप से जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई सरकार से कराएंगे। अब जब मामला सुर्खियों में आया है और सरकारी धन की बर्बादी जैसे गंभीर आरोप लग रहे हैं, तो मौजूदा यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा एक्शन में नजर आ रहे हैं। पिछले 5 साल में राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों, विभिन्न मंत्रियों, मुख्यमंत्री के द्वारा ये निश्चित है कि धन की भारी बर्बादी की गई है और उसी का परिणाम है कि राजस्थान पर कर्जे का भारी बोझ पिछले 5 साल में। अब तक आपने शायद महान स्वतंत्रता सेनानी या विशेष विभूतियों के बुत ही देखे होंगे, लेकिन कोटा में तो काम करने वालों ने और करवाने वालों ने बहती गंगा में हाथ धोते हुए सरकारी धन से अपने खुद के बुत भी बनवा लिए, जिस पर अब सियासत शुरू हो गई है। अब इन पुतलों को लेकर के विवाद बढ़ता जा रहा है और कई सारे सवाल भी यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। हिमांशु मित्तल, न्यूज 18, कोटा। मेरता सिटी नगर पालिका